टीम ऑफ अवर एग्जाम के साथ साबिक प्रिंसिपल सिटी कॉलेज सदर सीसीआई इंडिया प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे स्पीकर तशरीफ लें। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इलियास हुसैन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ वो इस ब्यूटी स्टेज पर तशरीफ ले आए। अदब अखबार के नुमाइंदे अखबार फाख्तर के मुदीर आली जनाब अशफाक उमर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि मुझे स्टेज पर तशरीफ। मौके की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, तमाम तारीफें उसी के नाम से मख्तस हैं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, इसी में जहां की बहार है, वो रहमान और रहीम है, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मदरसे उस्मानिया से फारिग दारुल उलूम मोहम्मदिया के उस्ताद आली जनाब कारी ज़ुबैर अख्तर उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक कि इसमें है सच का आईना कुरान पढ़ के देख, इसमें है सच का आईना कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना कुरान पढ़ के देख, है एक रोशनी के अहाते में कायनात, कोई नहीं है दूसरा कुरान पढ़ के देख, क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील ने, कैसे हुआ ये मोजिजा कुरान पढ़ के देख। कारी ज़ुबैर अख्तर उस्मानी साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها فقال لهم رسول الله
भाई रत्न उस्मानी साहब तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे। मैं नहायत ही अदब और इत्मीनान के साथ दोबारा कारी साहब से मदद हूँ कि वो नात का नजराना पेश करें कि नात मोमिनों का वजीफा है, नात अल्लाह को राजी करने का जरिया है, नात नूर बसीरत है, नात कुरान का इंतसाब है, नात कंदील कायनात है कि जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। कारी ज़ुबैर अख्तर उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ामिन है कामयाबी करसता हुज़ूर का, रसता हुज़ूर का, ज़ामिन है कामयाबी करसता हुज़ूर का, रसता हुज़ूर का, ज़ामिन है कामयाबी का रस्ता हुज़ूर का, ज़ामिन है कामयाबी का रस्ता हुज़ूर का, जन्नत का राह बर है तरीका हुज़ूर का, तरीका हुज़ूर का, जन्नत का राह बर है तरीका हुज़ूर का, तरीका हुज़ूर का, और हासिल है हर किसी को एक उम्मी लकब का फैर, एक उम्मी लकब का फैर, हासिल है हर किसी को एक उम्मी लकब का फैर, हासिल है हर किसी को एक उम्मी लकब का फैर, हर सूरवा है इल्म कदरिया हुज़ूर का, इल्म कदरिया हुज़ूर का, हर सूरवा है इल्म कदरिया हुज़ूर का, इल्म कदरिया हुज़ूर का, और असनाम सारे गिर पड़े क्यों करना हूँ के बल, क्यों करना हूँ के बल, असनाम सारे गिर पड़े क्यों करना हूँ के बल, असनाम सारे गिर पड़े क्यों करना हूँ के बल, वहदानियत का नगमा है नगमा हुज़ूर का, नगमा हुज़ूर का, लारैब है वो मोहसिन इंसानियत नईम, लारैब है वो मोहसिन इंसानियत नईम, मोहसिन इंसानियत नईम, लारैब है वो मोहसिन इंसानियत नईम, लारैब है वो मोहसिन इंसानियत नईम, ममनून है ये सारा जमाना हुज़ूर का, सारा जमाना हुज़ूर का, ममनून है ये सारा जमाना हुज़ूर का, सारा जमाना हुज़ूर का, जन्नत का राह बर है तरीका हुज़ूर का, तरीका हुज़ूर का। रस्म हिजरा अदब अफ़ाल की नुमाइंदे हफ्त रजा अखबार बाख्तर भी, मैं आप तमाम ही लोगों का बेइंतहा मशकूर हूँ और आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ कि दर्द का मौसम सवादे रहे गुजर कट जाएगा, दर्द का मौसम सवादे रहे गुजर कट जाएगा, आप मेरे कारवां हो हर सफर कट जाएगा। आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए
मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम सबिक प्रिंसिपल सिटी कॉलेज सदर सीसीआई इंडिया प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी का नाम नाम नामी इस निगरानी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा कोई साथी इसकी तारीफ करे। अभी मुस्तफा सर ने उस्ताद मोहतरम का नाम आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए पेश किया, मैं अपनी और तमाम हबीब की यानी कि उसकी तारीफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस्ताद मोहतरम उसकी सदारत के लिए आप लोग सुनकर मेरा आपका मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का बेइंतहा मशहूर हूँ कि अशफाक उमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के सदर की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करें। मैं दोबारा ज़हमत देता हूँ अशफाक उमर साहब को कि आज के हमारे मेहमान साबिक सुपरवाइजर जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इयास हुसैन सिद्दीकी साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। शहर अजीज की मशहूर और मारूफ शख्सियत आली जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब कवि गुलों का नजराना पेश करने के लिए अशफाक उमर साहब। मैं मोहम्मद जिया साहब मोहम्मद जुनैद साहब और मोहम्मद मुजैद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए हुए हमारे जितने मेहमान हैं तमाम लोगों की खिदमत में गुलों का नजराना पेश किया जाए। मोहतरम मोहम्मद यूसुफ नूर हुदा साहब रोजनामा तर्जुमान अहमद अयूबी सर जमूर हाई स्कूल देते जाओ बेटा खयाल अंसारी सर इब्न आदम साहब रॉयल कॉलेज के लेक्चरर वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं निसार सर साहब और जितने मेहमान आए तमाम लोगों की खिदमत में गुलों का नजराना पेश किया जाए। प्रोग्राम के अगरा को मकासिद पेश करने के लिए मैं अशफाक उमर साहब जो कि मुदीर रोजा मुदीर हक रोजा अखबार बाख्तर के कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे सहारा बन के निकल बेसहारों का तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे अशफाक उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बाख्तर का नाम आपके सामने है। तकरीबन हर कोई मुझसे पूछता है कि ये लफ्ज क्या है, क्या मायने है इसके। मैं आपको बता दूं कि दूसरी सदी में जो दृष्ट वर्ष हुआ अभी दूसरी कहानियाँ होती थी तो उनमें जो जादूगरों का शहर था उसका नाम बाख्तर था। आपने सुना होगा उसमें जो बादशाह का नाम था तो वो नसीब तो अमीर हमजा बाख्तरी तो वो यही नाम है। एक मकसद था कि उर्दू अदब अखबार अभी मुकम्मल तौर पर उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहा है जिन्होंने पिछले दो तीन सदी से अदब अखबार में अपना रंग जमाया है निकल नहीं पा रहा है जबकि आज हम 21वीं सदी में मौजूद हैं। 21वीं सदी के अपने अलग सताते हैं। आज हम जब बच्चों को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी और दीगर मामला में वो हमसे आगे रहते हैं। मेरा बच्चा मेरे तीनों बच्चे मुझसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में और यकीनन आपका भी वही हाल होगा। तो जब टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल में है तो क्यों ना हम साइंस की बातें करें, साइंस की वो बातें करें जो हमारे बच्चों के जहन से उनकी मौजूदा मालूमात से मेल खाती हैं। तो हमने उन असातीर को नहीं छोड़ा मगर उसके साथ हमको साइंस की तरफ पेशकदमी करना है। और आप जब अभी अखबार देखेंगे तो अखबार के फ्रंट पेज पर आपको एक तस्वीर जो नज़र आएगी तो उसमें तो एक तरफ जहां ऊपर आपको प्रिंस मोहशरूबा के किरदार नज़र आएंगे तो नीचे 21वीं सदी का मंजरनामा या मुस्तकबिल का मंजरनामा भी आपको नज़र आएगा। तो यही चीज़ थी जिसको
पेश करना मकसद है कि आप नए ढंग से एक नए मंजरनामे के साथ बच्चों के सामने आया जाए, तो हमने 72 को जारी करने का इरादा किया। पिछले पीछे भी 3 साल पहले भी बच्चों का एक अखबार हमने जारी किया था, उसका एक शानदार प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम जो था बॉम्बे में भी हुआ था, मगर उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फौरन बीमारियों ने जो घर देखा तो अभी तक उसी में उलझे हुए हैं और ज़बरदस्त हुआ। बहरहाल अल्लाह का करम है कि आपके सामने मौजूद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो उसकी वजह से वो सिलसिला बिल्कुल मुनक़ते हो गया था, मगर अब जब हालात हुए तो हमने इरादा किया कि उसी को जारी किया जाए। एक नए नाम से हमने उसको जारी करने का इरादा किया है, चंद शुमारे उसी का आपसे नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह। तो ये वजह है आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैंने बहुत मुख्तसर लोगों को मजबूर किया था हालात के पेश नज़र और मौका जो है उसके हिसाब से, तो उम्मीद थी कि शायद वो तादाद ना रहे, तो खैर कोई मसला नहीं। अहम तरीन लोग मेरे सामने, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उसको हौसला अफजाई करने वाले लोग हैं मेरे सामने हैं, तो वो तमाम कमियां पूरी हो जाती है। मैं सर आपके सामने अभी मेरी लॉकडाउन की सरगर्मियाँ इजाज़त हो तो मैं उसके बारे में भी कुछ बताऊँ। लॉकडाउन में जब एक सिलसिला चला कि हर चीज़ बंद हर चीज़ बंद, तो तालीम के मामले में भी हम देख रहे थे, क्योंकि मेरा रास्ता ताल्लुक जो है वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स से है, कंपिटेटिव एग्ज़ामिनेशन स्कॉलरशिप वगैरह मामलों में मेरे कंटिन्यू जो है काउंसलिंग और गाइडेंस का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। तो उस वक्त एक चीज़ सामने आई थी कि बहुत सारे बच्चे जो है बदतिल हो रहे हैं हालात से और माहौल से। उस वक्त फिर ये हुआ कि अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये बच्चे जो किसी न किसी मंजिल से आज तैयारी के अमल में हैं, तो वो उनका दिल ना टूटे, उनका हौसला ना टूटे और उनको मिलने वाली मालूमात गाइडेंस का सिलसिला ख़त्म ना हो। तो हमने एक प्लान बनाया और समर कौमी वेबिनार सीरीज़ जो है उसका प्लान अमल में आया। हमने उसके तहत 30 वेबिनार का एक सीरीज़ तैयार की, 30 रोज़ तक, मतलब मुसलसल 2 महीना हमारा ये वेबिनार जारी रहा, जिसमें 10 वेबिनार जो स्कॉलरशिप स्कीमों के ऊपर से थे। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप स्कीमों की मालूमात पहुँचाई जाए, उनकी मोहताजी ख़त्म की जाए और उनको तमाम तर वो अमल से गुजारा जाए ऑनलाइन, जिससे वो किसी भी एप्लीकेशन के लिए पूरे तौर पर तैयार हों और उनको मालूमात मिले उसकी। उसके बाद हमने 4 वेबिनार किया एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, उसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम मौजूद हैं, हमने उनकी मुश्तरक बातें जो थे, जितना भी उनने कॉमन बातें, हमने उनके ऊपर से 4 वेबिनार किया। उसके बाद 16 वेबिनार हमने कंपिटेटिव एग्ज़ामिनेशन पर किया, मुकाबला जाती इम्तहान पर। उन 16 वेबिनार में हमने तनाजुर रखा कि भाई सिविल सर्विसेज इम्तहान के तनाजुर में हम पूरी मालूमात दे रहे हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुश्किल तरीन मौजूआत को लोगों तक पहुंचाया, उसकी फैमाइश की और एक माहौल हुआ। उसके बाद से हिंदुस्तान में वो माहौल चलता रहा, बहुत ढेर सारे अदारे और अफराद उसके बारे में मुतहरिक हो चुके हैं, और हमारा जो मकसद था कि तलबा की जो बददिली वाली तबीयत हाल पैदा हो गया है, वो जो अट्रैक्ट से हट रहे हैं वो कायम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ। इसमें हमारे हॉल में मौजूद सिद्दीकी सर हैं, मैंने इलिया सर को भी एक मरतबा आवाज़ दी थी, दिग्निटी साहब भी ने हमारे तर्जुमान के मुदीर जो हैं ये भी इसमें आए थे और उन्होंने उसमें शिरकत की और देखा। और उन वेबिनार्स में हमने सिर्फ तुलबा को नहीं बुलाया, तुलबा तो पूरे हिंदुस्तान से उसमें शरीक होते ही रहे, हमने समाज और तालीम की इंतहाई अहम तरीन शख्सियात को वो पूरे 30 दिन तक मदू किया। इफ्तिताही प्रोग्राम में भी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके वगैरह से लोग आए, तनवीर मन्या भी हमारे इफ्तिताही प्रोग्राम में आए थे। तो एक अच्छा माहौल बना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर वो चल रहा है, हमारा मकसद उस मामले में पूरा हुआ। हमारे पेश नज़र ये भी बात किया दबे अतफाल के ताल्लुक से सरगर्मियाँ, तो हमने अपने कुछ दोस्तों को आवाज़ दी उसके मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा साथ रहा, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला,
और यकीन मानिए सर कि 2 रोज़ा 7 और 8 नवंबर को जो 2 रोज़ा हमने वेबिनार किया थे इस पर, पूरे 6 सेशन किए थे हमने, तो उसमें पूरी दुनिया से लोग शरीक हुए थे और अदब अतफाल के बेहतरीन नाम जो है वहाँ पर मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा का उसमें अदब अतफाल के ऊपर बातें हुई। इंशाल्लाह 15 दिसंबर के आसपास एक और वेबिनार होगा, उन मौजूदात पर वेबिनार्स का सिलसिला शुरू है, तो उनमें ये तमाम मकालात की दस्तावेजी सूरत में भी हम पेश करेंगे अदब अतफाल के मौजू पर जो बातें थी। तो ये अदब अतफाल पर भी ये सरगर्मियाँ हुई और लोगों ने वहाँ पर अच्छे अच्छे जो अदब आलिया के लोग हैं, अदब अतफाल के लोग हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वहाँ पर उन्होंने अदब अतफाल के ऐसे गोशों के बारे में भी सुना, लोगों से बातचीत की जो इससे पहले उनकी नज़र में नहीं थे। मकसद था 72 के हिजरा के मौके पर एक अदब अतफाल का प्रोग्राम करना और वो एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया जो बहुत अच्छा लगा। अदब अतफाल के सेमिनार में इरादा था कि बच्चों की भी शमूलियत की जाए, तो बच्चों की शमूलियत के तनाजुर में हमने 72 एक क्विज का एहतमाम किया, कुल हिंद 72 क्विज हमने उसका एहतमाम किया और ये क्विज अखबार में आप देखेंगे उसके सवालात सिविल सर्विसेज वगैरह इम्तिहान और वो टाइप के जो इम्तिहान होते हैं उसमें जो सवालात की नहज होती है, जो सिस्टम होता है, हमने वो तमाम सवालात, वो तमाम नहज उस क्विज़ में ऑनलाइन जो है बच्चों के सामने पेश की। मकसद यही है कि आप बच्चों को तैयार करना है शुरू से ही उन मंजिलों के लिए जहाँ पर जाकर उनको रुकना है, जहाँ से उनकी ज़िंदगी का रुख बदलेगा, तो उसके लिए प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल से जो तैयारी का एक मकसद था उसके तहत क्विज़ हुई। इस ऑल इंडिया क्विज़ में हमको स्पॉन्सर किया था हमारे रिजवान मुतल्लिब सर ने, रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी का स्पॉन्सरशिप थी उसमें, उन्होंने इनामात वगैरह के लिए हमारे काफ़ी सपोर्ट किया, पूरे तौर पर हमारे साथ थे और अभी जो अखबार आप देखेंगे उसमें हमने 72 क्विज़ के लिए पूरा एक सफ़र दिया है, उसमें हमने वो सर्टिफिकेट भी शाया किया है जो हमने बच्चों को जो जिन्होंने फाइनल में हिस्सा लिया था उनको तफ़ीस किया है, तो एक अच्छा सिलसिला था। लॉकडाउन में किसी ने उसका फ़ायदा उठाया हो या नहीं उठाया हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया उसका और उसके सम्राट सामने आ रहे हैं, अब जब उसके समर सामने आ रहे हैं तो हमको लगता है कि समर एकेडमी अपने क़याम के मकसद में कामयाब हो गई। ये थी मुख्तसर सी बातें अगराज व मकासिद के साथ जो मैंने बयान की। वक्त ऐसा है कि अब हमको इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना है, ये तेज़ रफ्तारी एक अकेले आदमी के बस की चीज़ है नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट लगेगा, बहुत नफरी लगेगी, अफराधी कुव्वत और तमाम बातें लगेगी। मैं हमेशा आप लोग जानते हैं कि एकदम खुलकर बोलता रहता हूँ इन मामलात में, ये और बात है कि वो बातें मेरे पास वापस आ जाती हैं, अभी तक मैं भरपूर तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सका, मगर हमारे बच्चों को हमारे तलबा को इंतहाई बड़े पैमाने पर ऐसी सरगर्मियों की ज़रूरत है जिसमें जिनमें उनको मुस्तकबिल के लिए तमाम तरकीबें मिलें। हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। रस्म इजरा अदब अतफाल का 7 रोज़ा 12 बख्तर के रस्म इजरा के लिए मैं शहर अजीज़ के जो कि तारुफ की मोहताज नहीं है, अपनी एक समाजी सियासी दीनी तमाम मुनफरिद शख्सियत के शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही, नाम ना लेते हुए कि शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही, गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था कि अपने अपने हौसले अपने पसंद की बात है, चुन लिया हमने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हर दिल अजीज़ कॉरपोरेटर, जनता दल के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूं कि आज के इस 7 रोज़ा अखबार का रस्म इजरा अता फरमाएं। अशफाक उमर साहब के लिए कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको,
हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे आपको। बाख्तर के रस्म इजरा की कामयाबी पर के अज़्म फौलाद का पत्थर का जिगर रखता हूँ, अज़्म फौलाद का पत्थर का जिगर रखता हूँ, मैं रकीबों को मनाने का हुनर रखता हूँ, ये अल्लाह की ख़ास नवाजिश मुझ पर, फतेह होती है उधर पांव जिधर रखता हूँ। अशफाक उमर साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं मोहम्मद ज़िया साहब, मोहम्मद जुनैद साहब, मोहम्मद उज़ैर साहब और मोहम्मद अतहर साहब को गुजारिश करता हूँ कि तमाम सामईन की खिदमत में एक एक अखबार आप उनके हाथ में पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता दल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने अपना वक्त डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब को दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। उस्ताद मोहतरम को सुनना चाहिए कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो ज़माने उसको ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, आज के इस अहम प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, बाख्तर का इजरा करने वाले अपने दस्ते मुबारक से जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब, अखबार के एडिटर अशफाक उमर साहब और जुमला मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम। अभी इस बात पर लड़ाई हो रही थी कि कौन किसको सुनने आया है, और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग तो कभी सुनने जाते नहीं, हाँ हमेशा सुनाने जाते हैं। लोग हमको यही बोलते हैं कि हम आपको सुनने आए हैं, मगर हम भी आपको सुनाने के लिए आए हैं। मैं आज के प्रोग्राम में आके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुज़िश्ता साल भर से जो सन्नाटा तारी था अदब पर, तालीम पर, हर चीज़ पर, पूरी दुनिया पर जो जमूत तारी था, उसमें बहुत सी खुशाइन बातें थी मुस्तकीम, बहुत सी अच्छी बातें थी। वो नाइट क्लब जहाँ पर सारे गुनाह पनपते थे, वो नाइट क्लब 4-6 महीना बंद रहे, ये बुरी बात नहीं है पर बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को भी तजुर्बा हुआ, ज़िंदगी ने एक मौका उनको ऐसा दिया कि वो ये कल्बों की जो तहजीब है, जहाँ बरहनगी जहाँ पर जन्म लेती है, इससे कुछ दिन के लिए वो दूर हो जाएं और अपने बारे में सोचें, ये मौका कुदरत ने इस बीमारी को ला के उनको इनायत कर दिया। अशफाक उमर के इस प्रोग्राम में आके मुझे कैसा महसूस होता है कि कोरोना ने हमारे हौसलों को शिकस्त नहीं दी, उसने हमको पसपा नहीं किया। आज भी वो तो इस दौरान में भी काम करते रहे जैसा कि बता रहे थे, उनके एक दो प्रोग्राम में मैं शामिल रहा, लेकिन वो शैतान की आँख की तरह इतने लंबे प्रोग्राम होते थे कि मैंने कहा कि अगर आदमी 2 रोज़ा भी रखे ना तो उनके सेमिनार को अटेंड नहीं कर सकेगा, इतने लंबे लंबे प्रोग्राम हुए उनके। वो चलता है तो फिर चलते ही जाता है ना, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। ये वेबिनार जो होते थे, कई वेबिनार मैंने भी अटेंड किए, उसमें मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लड़के अब्बा वो मोबाइल ना वेबिनार के लिए मुनासिब नहीं है, ये वाला लो, तो एक नया मोबाइल मिला। एक जगह वो भिवंडी में हुआ था, ये अपने नई तालीमी पॉलिसी पर, तो वहाँ पर मैं बोल रहा था तो बोलते बोलते सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो एक लड़का बोले ठहरो मैं दूसरा लाता हूँ, वो जो क्या बोलते हैं हेडफोन नहीं यार ये ईयरफोन, ईयरफोन जो है वो दूसरा लाया, उसमें माइक था वो अच्छा था उसके तरीके। बाख्तर का इजरा यही साइज रहेगी हमेशा,
इसी तरीके से नहीं तो बहुत महंगा पड़ गया। आज हमारे दरमियान यहाँ पर बहुत खुशी होती है कि मालेगांव में बच्चों के लिए हफ्त रोज़ा जारी करने वाले उसके बानी खैर अंदेश के बानी ख्याल अंसारी साहब हमारी इस मजलिस में मौजूद है, जिन्होंने इस शहर में हफ्त रोज़ा अखबार की न सिर्फ बिना डाली, 30 बरस तो हो गए होंगे ख्याल साहब, कितने हुए? 34 साल जो है ना, मैं ही 4 साल पीछे हूँ अभी। 34 साल हो चुके हैं, 34 बरस कोई मामूली वक्फा नहीं है, बराबर बाकायदगी से निकालते रहे, ऊंच नीच देखी उन्होंने, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उसके साथ समझौता नहीं किया और बच्चों के लिए अपना अखबार हमेशा निकाला। ये आज़म और ये हौसला अगर अशफाक उमर के अंदर है तो उनको मैं बख्तर की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये बहुत सब्र का काम है, बहुत सब्र है। कभी ऐसा भी होगा आपको ख़रीदार नहीं मिलेंगे, कभी ऐसा होगा कि आपका अखबार रखा रह जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत है, तो कभी ख्याल से अकेले में मिल लेना, क्या क्या तकलीफ़ आती है। और ये भी कि जल्दी से अपन लिस्ट पे कैसे आएंगे ताकि इश्तहार जारी हो जाए, ये भी पूछ लेना, वो बता देंगे। गवर्नमेंट का इश्तहार बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए सर, हमको पैसा वैसा मिलता नहीं। हमारे फर्जंद जो एजाज सिद्दीकी हैं वो गुलशन रोज़गार महानामा निकालते हैं, हम महीने में एक अखबार, ये बड़ा ये लोग सब रहनुमाई किया करते हैं उसकी। तो वो मुझे ये अर्ज़ करना है कि घर में अक्सर फजीहत होता है, सब पैसा कब वसूल करेगा, खाली छाप छाप के बांट रहा है छाप छाप। अच्छा, उसको ये मुश्किल ये मुस्तकिल साहब कि वो माहनामा होने की वजह से उस अखबार को गवर्नमेंट का की लिस्ट पे नहीं आ सकेगा और वो उसको इश्तहार भी नहीं मिला, हमने स्पेशल केस करके मांगा था तो वो भी उसमें नाकाम रहे। बहर मैं आपको दूंगा तफसील, तो थोड़ा सा ऊपर कोशिश कीजिएगा आप। तो ये इसमें तकलीफ़ें बहुत, और उर्दू वालों को और तकलीफ़ के अलावा और है क्या हमारे पास? तकलीफ ही तकलीफ में हम काम करते हैं और काम करते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यही तो हमारे उर्दू वालों की ख़ास शनाख्त है, पहचान है। उसमें अभी इसके जो मतन है उसको देखने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन ये है कि मैं उसको देखूँगा। जो मशवरा आप भी देखिए उसको, जो मशवरा आपसे बने उनको दीजिए, वो मशवरा उन तक पहुंचाइए, उनसे आप उनका नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए उनको, अच्छी बुरी जो भी आपको तहरीर लिखना है उनको सुनाइए, बताइए, तबसरा कीजिए। जब तक आप उस पर तबसरा और कमेंट नहीं करेंगे वो अपने अखबार की इसलाह नहीं कर पाएंगे और अपने आप की इसलाह। मैं तो ये दुआ करूँगा कि अगर कोई शख्स मुसलमानों के लिए मिल्लत इस्लामिया के लिए अगर किसी काम में मसरूफ़ नहीं है तो अब मैं बोलूँगा कि वो लोग बेकार ना बैठें, कोई मैदान अपने लिए तलाश करें। मुस्तकीम साहब ने अपने लिए पॉलिटिक्स का मैदान चुना, हालांकि वो बदनाम करने वाली जगह, तब भी कुछ ना कुछ खिदमत उससे होती है। CCI के सदर बैठे हुए हमारे सामने, बराबर हर मामले में तलबा की तालिबात की रहनुमाई किया करते हैं। अशफाक उमर ने अपना अखबार निकाला और आपने देखा उन्होंने जो तारीख इसकी बताई। ये दर्दमंद दिल रखने वाले हम सब हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है, मैं सबको जानता हूँ, फ़र्द फ़र्द को जानता हूँ। आपका दिल दर्दमंद, मैं यकीन है मुझे कि आप चैन से नहीं बैठेंगे और अब जो मौका हमको इस बहरान के बाद हासिल हुआ है उसमें हम मिल्लत इस्लामिया की तन मन धन से खिदमत करने को अपने लिए एक अज़्म लेकर उठेंगे, और वो अज़्म लेकर हम चाहे जाए अदब की खिदमत कीजिए, मिल्लत के दूसरे तरीक़ों से खिदमत कीजिए, रहनुमाई कीजिए, स्कॉलरशिप में मदद कीजिए, UPSC एग्ज़ामिनेशन में मदद, जैसे आपसे बने, इस मिल्लत की हर मरहले पर, हर नहज पर और हर सिफ्त से आपको मदद करने की ज़रूरत है। आपको इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी सकत दे ताकि मैं मज़ीद खिदमत जो आज तक मुझसे हुई उसको कबूल करे और मुझे मज़ीद खिदमत का मौका दे। मैं एक बार और उनको मुबारकबाद देने के बाद अपने ये दुर्लभ से ख़त्म करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी
कि मैं इस स्टेज से मुस्तकीम ब्रिगेडी साहब को सुनूं। बहरहाल उन्होंने अपने उस्ताद की बहुत कदर व कीमत की कि लाजमी है कदर व कीमत कीजिए उस्ताद की, अपनी बातों में मिसालें दीजिए उस्ताद की, कामयाबी आपके कदमों तले आ जाएगी, एक गुजारिश है दुआएं लीजिए उस्ताद की। मेरे दोस्त मोहतरम अहमद अयूबी सर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अशफाक उमर सर, अहमद अयूबी सर एक साथ में पढ़े हैं, इलियास सिद्दीकी सर, प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर, ये हम लोगों के उस्ताद थे कि आप ही ने तराश कर हमें हीरा बना दिया, आप ही ने तराश कर हमें हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार इन्हीं पत्थरों में था। अहमद अयूबी सर आपके सामने। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, कह ज़मी आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। सदर महफिल प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर, मोहतरम इलियास सिद्दीकी सर, शहर अजीज़ के नौजवान लीडर मोहतरम मुस्तकीम डिग्निटी साहब, अशफाक उमर साहब, मुस्तफ़ा सर, और अदब अतफाल के बाबा आदम मोहतरम ख्याल अंसारी साहब, यूसुफ तर्जुमान साहब, सामीन कराम। वक्त तो काफ़ी हो चुका है, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम अशफाक उमर साहब को कि काम है मेरा तगैयुर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब इनकलाब, हमेशा इनकलाब की बातें करने वाला, नए नित नए कामों को आगे बढ़ाने वाली शख्सियत अशफाक उमर की है। आप देख रहे हैं कि कौम को कितना दे दें या कौम किस तरह आगे बढ़ेगी, हमेशा इससे फिक्र में रहते हैं। किसी ने कहा था जानिसार अख्तर ने गालबन के, फुर्सत कार फकत चार घड़ी है यारो, ये ना सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारो, और अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शमा लिए दर पे खड़ी है यारो, और जब भी चाहेंगे ज़माने को बदल डालेंगे, जब भी चाहेंगे ज़माने को बदल डालेंगे, सिर्फ कहने के लिए बात बड़ी है यारो। इसी पैगाम के साथ उन्होंने बाख्तर नामी अखबार जो बच्चों के लिए जारी किया है, बहुत बहुत मुबारक पेश करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया खुदा। नहायत अदब और एहतराम के साथ शहर अजीज़ के मशहूर व मारूफ लीडर आली जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, कोई और दुआ मांगता तो वो भी कबूल हो जाती, अब आपके सामने। आज प्रोग्राम के सदर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर और हमारे उस्ताद इलियास सिद्दीकी साहब, अशफाक उमर सर, अशफाक उमर सर को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये अखबार बच्चों के लिए निकाला। अशफाक उमर सर की एक बात है कि जो भी काम वो करते हैं उसमें लोग कोई इंटरेस्ट ले या ना ले, मगर वो मुसलसल लगे रहते हैं, यही उनके अंदर सबसे ख़ास बात है। वो मुझसे हमेशा रابطے में रहे, कोई सेमिनार हो उसके बाद वो कोई क्लास की बात हो, उन्होंने मुझसे जब यहाँ के ताल्लुक से इस मतलब इमारत के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि ये चाहिए, तो मैंने कभी उनको इनकार नहीं किया, वो क्लास चलाने के लिए हो या दूसरा कोई प्रोग्राम हो। और अखबार यहाँ पे यूसुफ तर्जुमान साहब बैठे हैं, ख्याल असर साहब बैठे हैं, अखबार चलाना, ख्याल अंसारी, अखबार चलाना ये कितना मुश्किल काम है, ये तो सियासी समाजी हर तरह का अखबार चलाते हैं, उनको कितनी मुश्किल आती होंगी ये भी मुझे पता है। और बच्चों का अखबार चलाना ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं उनके हौसले की कद्र करता हूँ, और मैं उनसे ये भी यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इस अखबार में 6 महीने तक मैं एक इश्तिहार मेरी तरफ से दिया करूँगा। जैसे इलियास सर बोले कि गवर्नमेंट की इश्तिहार मिल जाए, तो अभी तो वो मौका नहीं है कि फौरी तौर पर कुछ हो जाए, मगर अखबार चलना चाहिए, अखबार चलाना, इश्तिहार ही अखबार की जान होती है, बगैर इश्तिहार के अखबार चलाना ये मुमकिन ही नहीं है। हमेशा निहाल साहब मैं देखा कलीम दानिश को एक ही बात बोलते थे कि तू थिएटर के भी इश्तिहार ले लिया कर, अखबार चलाना है तो तू ये मत सोचना कि क्या बोलेंगे, बस पिक्चर अच्छी रखना, उसमें फ़ोटो ऐसे वैसे ना आए, मगर इश्तिहार ले लिया करना, ठीक है। ये तो बच्चों का इश्तिहार यानी अखबार है उसमें, लेकिन मैं मेरी दुकान का है दूसरा 6 महीने तक इश्तिहार दूंगा, ताकि ये 6 महीने तक चले, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें और भी कोशिश की जाएंगी। बाख्तर हफ्त रोज़ा अखबार के मुतालिक अशफाक उमर सर, मुख्तसरन आपके सामने
अपना तारुफी कलमा पेश करेंगे। अखबार आपके सामने हैं, आपके हाथों में है, तो मैंने सोचा कि उसके ताल्लुक से कुछ बता दूँ। इसका जो पहला सफ़ा रहेगा तो इसमें साइंसी ज़बान से मुतालिक और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बच्चों के मालूमात के में इजाफा करने वाली हों और उनको तहरीक देने वाली हों। इसमें थोड़ा सा एक हिस्सा मैंने हालात हाजरा जो हर इम्तिहान में आता है जिसके मुतालिक बातें, तो हालात हाजरा एक लफ्ज़ उनके सामने आता रहे तो यहाँ ऊपर लेफ्ट पर मैं एक छोटा सा कॉलम भी रखूँगा ताकि उसमें वो खबरों के ताल्लुक से कुछ ऐसी बातें रहेंगी इंशाल्लाह जो वो ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। दूसरा जो सफ़र रहेगा ये कहानियाँ नज़मों वगैरह पर रहेगा और कोशिश यही रहेगी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आए जो बच्चों के लिए दिलचस्प हों, मुफीद हों, मालूमाती हों। नया टैलेंट दिया इंशाल्लाह वो चीज़ें रहेंगी। और आप देखेंगे इसमें एक मुस्तकिल कॉलम रहेगा जो साइंस की बातों के ऊपर मबनी होगा जिसमें साइंस के बच्चों के लिहाज से नए नए मजामीन आएंगे इंशाल्लाह और वो उनके तजस्सुस को बढ़ावा देने वाला रहेगा। ज़बान के ताल्लुक से भी एक मुस्तकिल कॉलम रहेगा जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़बान जो है सर उसके ताल्लुक से उनको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। जैसे इसमें अभी पहले शुमारे में ना और ना बहुत गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को इसमें ज़िक्र किया जाएगा जो उनकी ज़बानदानी की सलाहियत में भी गैर महसूस तरीके से तरक्की दें। तीसरा सफ़ा जो रहेगा जो अभी आपके सामने है तो उसका टाइटल ही मैंने दिया है सर, जो मेरी हर किताब के हर सफ़े के ऊपर रहता है, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। ये ख़ास सफ़ा है, इसमें एक कॉलम जो रहेगा ज़बान से मुतालिक रहेगा। इसमें अभी मैंने एक सरगर्मी दिया है कि इस पूरे अखबार में अल्फाज निकालो और एक छोटी सी 20-30-40 अल्फाज की कहानी लिखो। यहाँ पर उनको ये मकसद ये है कि वो अपने जहन को थोड़ा सा हरकत दे और वो सोचे कि इसमें कहाँ से कैसा लफ्ज़ है। मैंने तो एक चीज़ दे दिया है, वो अपने जहन का इस्तेमाल करें, जब बच्चा सोचेगा तो यकीनन उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तरक्की होगी। यहाँ पर बच्चों की सतह के करियर गाइडेंस की भी बातें होंगी और उनको उनकी सतह से हम बताएंगे, क्योंकि करियर गाइडेंस का ताल्लुक जो है ये प्राइमरी और हाई स्कूल से भी अगर जुड़ जाता है वो यहाँ पर उसके बारे में सोचने लगते हैं तो उसके इंशाल्लाह काफ़ी दूरदर्श नतायज होंगे। शख्सियत साजी से भी मुतालिक छोटे छोटे कॉलम मुस्तकिल रहेंगे, ये सब बातें मुस्तकिल रहेंगी इंशाल्लाह और उनकी सतह के हिसाब से दिलचस्प भी रहेगी। एक कॉलम इसमें ये भी रहेगा सर, बाबा की जय हो, अंधी तकलीद और ये जो बाबागिरी और ये सब जो है तो इसमें साइंस का क्या है, इसमें क्या साइंस है। बहुत सारे लोग जो है वो ढोंगी बाबा जो जैसे अपने करिश्मात बताते रहते हैं, तो इसमें हर हफ्ता कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ रहेगी जो पर्दाफाश करे बच्चों के सामने के जो चमत्कार के नाम पर लोग बताते हैं वो फिल्मों में टीवी सीरियल्स में जो चीज़ें देखते रहते हैं उनकी असल हकीकत क्या रहती है। तो ये इस तरह ये सफ़ा रहेगा और आखिरी सफ़ा पूरे तौर पर बच्चों की तख्लीकात पर रहेगा इंशाल्लाह और उसमें हम ढूंढ ढूंढ कर छांट छांट कर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करते रहेंगे जिससे बच्चे जो है अट्रैक्ट होते रहें और उनके अंदर की तख्लीकी सलाहियतें बढ़ती रहें। शुक्रिया। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आज के इस बाख्तर रस्म इजरा प्रोग्राम के सदर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के अदब की राह पर चलने के हमको गुर सिखाते हैं, अदब की राह पर चलने को हमको गुर सिखाते हैं, हमारी कामयाबी पर हमेशा मुस्कुराते हैं, बुराई की, अदावत की, जहालत की, अंधेरों की हमें जिल्लत से बाहर खींच कर उस्ताद लाते हैं। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबी अजमईन। मेरे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब, शहर के
और बिलखुसूस नौजवानों के रहनुमा मुस्तकीम डिग्निटी साहब, बाख्तर मुदीर अशफाक उमर साहब, अदब अतफाल में एक तवील अरसे तक बेलौस खिदमत देने वाली शख्सियत, जिनके बारे में शायद इससे पहले मैंने किसी वक्त कहा था कि सारे मुल्क में एक मिसाल है अदब अतफाल के हवाले से, और एक अखबार के हवाले से पूरे मुल्क में जो शख्सियत जानी जाती है ख्याल अंसारी साहब, और हाज़रीन अशफाक उमर साहब के ताल्लुक से कोई ऐसी बात जो मैं कहूं और आप ना जानते हों, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। इस शख्स को मैंने हमेशा से बहुत मुतहर्रिक पाया। प्राइमरी तालीम के लेवल से चंद शख्सियात उभर कर जो सामने आई हैं, उनमें इमामत का दर्जा रखने वाले, इमामत का मकाम रखने वाले अशफाक उमर साहब। मुसलसल लगे हुए हैं, आज से नहीं, हमेशा से हमने देखा है। और जैसा कि अभी उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही है कि लॉकडाउन के ज़माने में वेबिनार के उन्वान से या इसके ज़रिए मुख्तलिफ उन्वानात पर उन्होंने जो एक सिलसिला जारी रखा था, वो लोग उनकी इस मुशक्क़त को महसूस कर सकते हैं जो वक्तन फ़ौक्तन प्रोग्राम करते हैं। एक महीने तक मुसलसल एक सिलसिला जारी रखना, और वो भी नहायत दर्जे में मुफीद हो, ये कोई आसान काम नहीं है। और अभी भी उनके हौसले जमा हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि वो आगे के ताल्लुक से कुछ ऐसे ही तवील मुद्दती कुछ प्रोग्राम रखते हैं जो बिलखुसूस बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद हैं। कौम के लिए भी मुफीद हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। मुसाबिकती इम्तिहानात में आपका अहम रोल रहा है, तहरीरी तौर पर भी आपने बहुत सारा लिटरेचर कौम को दिया है। एक बात अक्सर मैं कहा करता हूँ, आज आप पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में क्या, आप तो दुनिया में भी आप नज़र उठा के देखिए, मुसलमानों का जो मकाम है आज समाजी सतह पर, माशी सतह पर, तालीमी सतह पर, आप कहीं पर भी देखिए, बहुत हम निचली सतह तक पहुंच गए। एक वो ज़माना था जब हम दुनिया की इमामत करते थे, आज हम जो हैं वो इंतशार का शिकार है। और इस मुल्क में तो बहुत कुछ हो रहा है, सब जान रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। ऐसे हालात में इस समाज को, इस माशरे को ज़्यादा ऐसे सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है जो मिल्लत को कुछ आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। बिरादरान वतन पर आप नज़र डालिए, वहाँ पर आपको कदम कदम पर सोशल वर्कर मिलेंगे मुख्तलिफ फील्ड्स में, तालीम का हो, समाज का मामला हो, सहाफत का मामला हो। हमारे यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारा दामन बिल्कुल खाली है। बहरहाल जिस नफरी कुव्वत की इस माशरे को ज़रूरत है, उसमें अभी भी कमी का एहसास होता है। अशफाक साहब को देखता हूँ, खुशी होती है, इत्मीनान होता है कि ये शख्स दो चार दस दिन काम करके बैठ जाने का मिजाज नहीं रखता, मुसलसल लगा हुआ और कर रहा है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है।
अब इसका एवज तो सही बात है, जो देना है अल्लाह को देना ही है, देना ही है, देते ही है, उसमें कोई शक नहीं। कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारी जिम्मेदारियों में आज एक प्रोजेक्ट लेकर वो हमारे सामने आए हुए हैं, बच्चों का एक अखबार वो निकाल रहे हैं, फरोजा बाख्तर नाम के उनवान से वो निकाल रहे हैं। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तामे देर में कदमे सोखने जिस तरह से भी मुमकिन हो हम लोगों को इस अखबार की एयानत करनी चाहिए। अशफाक साहब, इस ताल्लुक़ से छोटा सा मेरा एक ऑफ़र है, मेरी अपनी कोशिश होगी कि बच्चों के लिहाज से उनकी ज़रूरत के मुताबिक छोटी सी तहरीर इंशाअल्लाह मैं आपको मुस्तकिल देने की कोशिश करूँगा, और उसको अगर आपको लगता है कि इसको शामिल किया जा सकता है तो आप उसको ज़रूर शामिल करें। लफ्ज़ बाख्तर, अभी निजी गुफ्तगू जो हम लोगों की हुई, और मैं समझता हूँ आज भी बहुत सारे हमारे हाज़रीन में से लोगों के दिमाग में एक सवाल ये होगा कि ये लफ्ज़ है क्या। मैं ख़ुद लुगत में इसके मानी तलाश करके आया, यहाँ आने के बाद भी कुछ और उसके माने में इजाफा हुआ है। 19वीं सदी का, जैसा कि अशफाक साहब ने बतलाया, 19वीं सदी का ये लफ्ज़ जो आज 21वीं सदी में मुर्दा हो गया है तकरीबन, आपने उस लफ्ज़ को हाथ लगाकर ज़िंदगी बख्श दी है। एक लफ्ज़ जो है वो आज उर्दू ज़बान में, उर्दू माशरे में जाना जाने लगा है, इसमें कोई शक नहीं। लफ्ज़ मुश्किल है इसलिए कि इस्तेमाल में नहीं है, इस्तेमाल में होने लगेगा आसान हो जाएगा, ज़बान ज़द हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इलियास भाई ने बहुत अच्छी बात कही इस ताल्लुक़ से, फ़याज़ साहब का बहुत अच्छा वर्क है, उनसे आप इस मामले में मशवरा लेते रहें, मैं भी इस बात पर बहुत जोर दूँगा। बच्चों की ज़बान आसान हो, आम फहम हो, और उसमें आप अपने तौर पर एक कॉलम कुछ ऐसा भी रखिए, जैसा कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जैसे खैर अंदेश में वो चीज़ देखने में आती है, मुश्किल जो अल्फाज होते हैं 5-7 अल्फाज मुंतखिब करके उस कॉलम में रखे जाते हैं, उसके मानी दे दिए जाते हैं, तो बच्चों की वोकेबलरी भी जो है वो अल्फाज का ज़खीरा भी उससे बढ़ेगा, सीखेंगे कुछ करेंगे वो। बहरहाल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का वक्त और मौका नहीं है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अशफाक साहब को, और दुआएँ हैं कि ये एक कदम जो उन्होंने सहाफ़त के मैदान में उठाया है, अदब अतफाल के हवाले से सहाफ़त के मैदान में जो उन्होंने उठाया है, अल्लाह इसमें आपको इस्तक़लाल अता फरमाए, पायदारी अता फरमाए, और ता देर इस अखबार के ज़रिए उर्दू बच्चों की तरबियत है, उनकी जहन साजी है, ज़बान व अदब का मामला है, उनके अंदर ये हुनर ज़्यादा से ज़्यादा पनपे बढ़े, इस दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हफ्त रोज़ा बाख्तर के मुदीर आला आली जनाब अशफाक उमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जो है रस्म शुक्रिया वो अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुँच रहा है, अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें ये मौका बख्शा, एक मकसद के तहत एक काम को आगे बढ़ाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने मेरे हक़ को तस्लीम किया। मेरा हक़ बोले तो जब भी कोई वक्त आता है मैं सर को कहता हूँ मैं सर को कि सर आपको सदारत करना है, पूछता नहीं मैं, वो मेरा हक़ मैंने महसूस रखा है अपने पास। उन्होंने आज भी जब मैंने उनको कहा कि सर आपको सदारत करना है तो वो हंसने लगे, मैंने हाँ, मैंने सर ये मेरा फ़ैसला है तो आप, उन्होंने कहा ठीक है। तो शुक्रगुजार हूँ सर मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हॉल में हम मौजूद हैं एम्प्लॉयमेंट सेंटर, मैं आपको बता दूँ कि जब मुझे समर क्लासेस शुरू करना था सिविल सर्विसेज इम्तहान के लिए, बच्चों की तैयारी के लिए, तो मैं बहुत परेशान था इस मामले में कि मुझे मेरे हिसाब से कहीं जगह नहीं मिल रही थी, और जो जगह थी तो वो मेरे बिसात के बाहर थी।
बैठे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मुस्तकीम भाई ने पूछा कि बोले सर अगर मैं जगह दूँ तो, मैंने कहा इससे अच्छी बात कौन सी होगी। तो उन्होंने इस जगह का कहा और इस जगह की चाबी दे दी और ये पूरा जो है उन्होंने मुझको इस्तेमाल करने के लिए कहा। कई महीना मैं यहाँ पर रहा, मैंने बाकायदा यहाँ पर क्लासें ली हफ्ते में दो रोज़, बहुत अच्छा चलता रहा। फिर चंद वजूहात की बिना पर, मेरी ज़ाती वजूहात की बिना पर मैंने जगह बदली और फिर वो मामला मेरी बीमारी के नज़र होकर ख़त्म हो गया। अभी भी जब मैंने उनको कहा प्रोग्राम करने का तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पहले ये भी नहीं पूछा कि कौन सा प्रोग्राम, मैंने कहा कि मुस्तकीम भाई प्रोग्राम करना, उन्होंने बिल्कुल ओके कर दिया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम भाई, आपका ताउन मेरे लिए हमेशा बहुत कीमती रहा है। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, हसबे मामूल मालूमात के मोती लुटाते हुए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इजहार ख्याल किया। मेरे बुज़ुर्ग ख्याल अंसारी साहब, यूसुफ़ साहब, अहमद अयूबी साहब, शाह अंसारी, इब्न आदम और तमाम अब्दुलरहमान भाई, तमामी लोगों का, निसार सर, तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर मेरे बुलाने पे तशरीफ़ लाए। मैं एक बात वाजे कर दूँ कि मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को यहाँ पर मदू किया था और मकसद लिमिटेड करने का यही था कि अभी हालात मुनासिब है नहीं। मैंने SMS भी किया, सबसे बातचीत भी की, बहरहाल एक अंदाज़ा था हल्का सा कि कहीं तादाद मुतासिर ना रहे, मगर तादाद तो मुतासिर है, मगर प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा। इसके लिए मैं आप तमामी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के बेहतरीन निज़ामत करने वाले हमारे दोस्त मुस्तफ़ा बरकती साहब की खिदमत में। इंतहाई माजरत के साथ मोहम्मद यूसुफ उर्दू तर्जमान के एडिटर, आपका सिर्फ दो मिनट लेना चाहते हैं, वो आपका कुछ इजहार ख्याल, एक जज्बाती कैफियत उनके अंदर आ गई, उनको दो मिनट सुन लेते हैं। मैं असल में मैं प्रोग्राम से हट के कुछ बात करना चाहता हूँ। जब सर ने कहा कि कोरोना के साथ मैं बहुत वो जो झेले हैं, हमको मालूम है अखबारात हम रोज देखते थे करते थे, मगर हमने जो देखा है जो कोरोना जहाँ से कम हुआ है वो मुस्तकीम डिग्निटी की वजह, क्योंकि मुस्तकीम डिग्निटी ने उस वक्त कलेक्टर को अगर सख्त लहजे में मिनिस्टर के सामने नहीं कहा होता तो उस वक्त से ऑफिसर के ऊपर लगाम नहीं लगती, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और एजुकी सर उनका इस्तकबाल करेंगे। सदर की इजाज़त से आज का प्रोग्राम का ऐलान किया।